नारायण सिंह नेगी जो राजस्थान से उड़ीसा में है वो थे ना थम्मा भाई आपको बहुत बहुत स्वागत अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करें। नमस्कार सभी, तो मेरा नाम मयंक सिंह नेगी है और मैं अभी युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा की यात्रा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम युवाओं के ऊर्जा के केंद्र सर धर्मेंद्र प्रधान जी को राजस्थान की धरती से नमस्कार करना चाहूंगा। सर आपके युवा संगम कार्यक्रम के तहत युवाओं को जो जानने का अवसर मिल रहा है, शायद ये भारत के इतिहास में नया और नई भारत की रचना करने जा रहा है। साथ ही साथ युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कि युवा संगम कार्यक्रम केवल एक देश नहीं बल्कि विश्व वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में देश को आगे ले जाने का एक कार्यक्रम है। मैं जब हमारा चयन राजस्थान से उड़ीसा के लिए हुआ तो हमारे मन में एक सवाल था कि जब उड़ीसा जाएंगे तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे, परंतु किसी कारणवश हमारे आइडियनरी के अंदर भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं थे, परंतु आईआईटी के भुवनेश्वर के स्वागत सहयोग से उसको शामिल किया गया और हमने पहले ही दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उसके लिए मैं आईआईटी भुवनेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ आईआईटी भुवनेश्वर के फैकल्टी ने जो हमारा सहयोग किया, एकदम गाइडेंस करके हमारे बिल्कुल हर चीज को हमें सहयोग किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद युवाओं के अंदर देश प्रेम, संस्कृति एवं अपने कल्चर को लेकर जो दृढ़ निश्चयता आई है और राजस्थान से नॉर्थ से साउथ की जो हमने जर्नी तय करी है उसके अंदर उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। हम जब उड़ीसा की बात करते थे तो ये सोचते थे कि वहाँ पर कोस्ट लाइन है, वहाँ कोस्ट गार्ड है और वहाँ पर तटी है, परंतु जब उड़ीसा आके IOCL देखा और ONGC स्टार्टअप और अलग अलग योजनाएं देखी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखे, तो गर्व महसूस होता है कि भारत के इतने दूर होने के अंदर दिन रात के अंदर भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के अंतर्गत इतना समुच्चय स्तर पे विश्व स्तर का कार्य चल रहा है, जिसके लिए मैं गौरवान्वित होकर पूरे होश और आवाज के अंदर युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का पूर्ण रूप से समुचे युवा शक्ति की ओर से धन्यवाद देना। साथ ही साथ युवा संगम जो कार्यक्रम है ये माँ अलकनंदा एवं माँ भागीरथी का जो नदी का उत्तराखंड में संगम होता है उसके समान निर्मल एवं स्वच्छ है। साथ ही साथ ये कार्यक्रम युवाओं को आने वाले समय में प्रेरणादायक बनाएगा और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत जब आजादी का अमृत महोत्सव अभी मना रहा है, जब आजादी का 100 साल मनाएंगे, उस समय युवा, भारत का युवा विश्व स्तर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ के जाएगा और ये युवा आने वाले विश्व का विश्व गुरु के रूप में उभर के आएगा। हमारी संस्कृति हमेशा आदर एवं सत्कार की रही है और हम उसको बरकरार रखते हैं, परंतु राजस्थान की वीर भूमि से आऊं और महाराणा प्रताप का जिक्र ना करूं ये संभव नहीं है। हमारे खून के अंदर और हमारे उसके अंदर हमेशा से देशभक्ति बरकरार है और मैंने जब यहाँ पे आकर युवाओं, यहाँ के उड़ीसा के युवाओं की मन की बात जानी तो मुझे ये देखने को मिला कि हमारा मन भी एक है, हमारा तन भी एक है और हम सबके अंदर देशभक्ति की भावना भी एक है, सिर्फ उसको चुनाने